उदू अब चालू है क्या इसकी वॉइस। नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को मेरा अभिवादन। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मित्रों, जन सरोकार मंच टोंक के फेसबुक लाइव प्रसारण की श्रृंखला में मैं विजय सिंह नाहटा, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, लॉकडाउन के इस कालखंड में जन सरोकार मंच का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा पटल हम सबको मुहैया करवाया जिसमें हम कविता, कहानी या रचनात्मक संवाद के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से रचनात्मक विनिमय करते हैं। और यह एक ऐसा पटल है कि इसमें गांव कस्बे से लेकर के दूर दराज तक, विदेशों तक भी साथी बैठ करके इस पेज से जुड़ सकते हैं और एक तरह से इसकी पहुंच है वो काफ़ी है। इस दृष्टि से ये काफ़ी श्रोताओं को जोड़ने का भी एक अच्छा उपक्रम है। मैं देवेंद्र जोशी जी को सादर अभिवादन करता हूं कि उन्होंने ये प्रयास किया और हम सब रचनात्मक साथियों को एक न एक करके वो इस पटल पर ला रहे हैं। मित्रों, मूलतः बीकानेर से आता हूं और वर्तमान में जयपुर मेरा निवास है। जोधपुर कार्यक्षेत्र है प्रशासनिक सेवाओं की दृष्टि से। बचपन से ही कविता लिखने के प्रति मेरा रुझान रहा। कॉलेज और स्कूल की पत्र पत्रिकाओं और स्थानीय समाचार पत्रों से मेरे अपना लेखन सफर प्रारंभ किया। 1985 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैं प्रकाशित हुआ। उस समय हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी पुस्तक के प्रकाशन की। 1935 में वह किताब पब्लिश हुई, 1985 में स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी। मैंने बच्चन जी को संबोधित करते हुए एक रुबाई लिखी जो तत्कालीन साप्ताहिक हिंदुस्तान में पब्लिश हुई। मैं उस रुबाई से अपनी बात शुरू करता हूँ। 4 पंक्तियों की रुबाई है, बहुत छोटी सी। मैंने बच्चन जी को कहा कि हमने कभी हाला का स्पर्श नहीं किया, न कभी हमने प्याला को छुआ और न कभी मधुशाला की तरफ हम गए, लेकिन आपकी किताब ने हमें हजारों बार मधुशाला का दिग्दर्शन कराया। तो मैंने बच्चन जी को कुछ इस प्रकार लिखा, कहाँ भाग्य में असली हाला और कहाँ पर है प्याला, कविता ही है असली हाला, शब्द बना मादक प्याला। कहाँ भाग्य में असली हाला और कहाँ पर है प्याला, कविता ही है असली हाला, शब्द बना मादक प्याला। किसने लाखों बार पिलाई हाला बिन मदिरालय के, दीवाने हर बार कहेंगे एक अकेली मधुशाला, एक अकेली मधुशाला, एक अकेली मधुशाला। मधुशाला से आशय मेरा उस किताब से था जिसने लाखों बार हमें हालाबाद के दर्शन करवाए। तो इस रुबाई को साप्ताहिक हिंदुस्तान ने एज इट इज छापा और इसको पढ़ करके स्वप्रेरणा से बच्चन जी का पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ, जो निश्चित रूप से एक 20 वर्ष के कवि को काफ़ी आह्लाद का विषय था कि इतने बड़े साहित्यकार के द्वारा मुझे रेखांकित किया गया। मित्रों, सृष्टि के प्रारंभ से ही हम कविता करते आए हैं और जब तक हम हैं, हमारा अस्तित्व है, कविता बनी रहेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन 2 प्रश्न हर रचनाकार के सामने आते हैं कि कविता क्या है और कविता क्यों करनी चाहिए। मित्रों, हमारे समय के एक बहुत बड़े राजनीतिक कवि जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यवस्था पर और राजनीति पर कटाक्ष किए, मैं धूमिल की पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। धूमिल कहते हैं कि कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पायजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में खड़े आदमी का हलफनामा है। क्या ये व्यक्तित्व बनाने की
चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है। ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो धूमिल के शब्दों में हम यदि ये कहें तो कविता न तो व्यक्तित्व और चरित्र चमकाने की कोई चीज है, अपितु कविता के द्वारा हम हमारा जो समाज है, हमारा जो समय है, हमारा समकाल है, उस समकाल को सही तरीके से रेखांकित करते हैं। और जहाँ जहाँ तक हम जीवन में किसी भी प्रकार की विडंबना, विसंगति या विपर्यय देखते हैं या असंगति देखते हैं, कविता वहाँ पर संगति लाने का काम करती है। अंग्रेजी में जिसे कंसिस्टेंसी कहते हैं, अभी कविता उस शून्य को भरती है और संगति लाती है। जहाँ पर संगति है वहाँ सौंदर्य है। कविता का एक काम सौंदर्य की सृष्टि करना भी है। हमारे यहाँ पर वामह, मम्मट, दंडी, राजशेखर, पंडित जगन्नाथ आदि प्राचीन विचारकों ने कविता पर बहुत गहराई से विमर्श किया है। ऋग्वेद कहता है कि यह शब्द ब्रह्मांड की चौकसी करता है। वहीं अग्निपुराण शब्द परम ब्रह्म है, इस तरह से शब्द की महत्ता को रेखांकित करता है। दंडी अपने ग्रंथ काव्यादर्श में कहते हैं कि ये जगत शब्द नामक ज्योति से आलोकित न होता तो ये त्रिलोकी गहन अंधकार में विलीन हो जाती। कितनी बड़ी बात दंडी अपने यहाँ कहते हैं कविता को ग्लोरीफाई करने के लिए। हमारे यहाँ पर आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, हमारे प्रदेश से हम लें तो डॉक्टर जीवन सिंह, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, इन सब ने समय समय पर कविता पर बहुत गहराई से विमर्श किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। हृदय की मुक्तावस्था का मतलब है कि ये लोक की तो बात करती ही है, लेकिन लोक की बात करने के साथ साथ व्यक्ति के आध्यात्मिक रूपांतरण की बात भी कविता करती है। और जहाँ हृदय मुक्त अवस्था में पहुँच जाए वहाँ कविता का साध्य समाप्त हो जाता है। कविता का एक साध्य यह भी है कि वह लोक मंगल के साथ हमारे आध्यात्मिक मंगल की कामना भी करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने चिंतन के उत्कर्ष में वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने हृदय की मुक्तावस्था कविता को कहा। जहाँ चिंतन करने को कुछ न रह जाए, जहाँ सारी विसंगतियाँ, सारी समस्याएँ समाप्त हो जाए और हृदय मुक्तावस्था में आ जाए, अर्थात ये सृष्टि का सौंदर्य अपने उत्कर्ष पर आ जाए, सृष्टि की जो संगति है वो अपने उत्कर्ष पर आ जाए, अपनी चरम परिणति को प्राप्त हो जाए, वहाँ कविता का साध्य समाप्त हो जाता है। तो किस तरह से हमारे मनीषियों ने इन सब पर विचार किया, और हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि कविता या साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। वो वहाँ पर कवि या कहानीकार की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब उसको नहीं बताते, जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब बताते हैं। तो एक तरह से कविता या कहानी कवि के उस कवि के हृदय में से निकल करके भी वह जनता की या लोक की संपत्ति बन जाता है। इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब उसको कहते हैं, न कि किसी कवि या कलाकार की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब। इस तरह से लोक मंगल कवि का एक साध्य होता है, कविता का एक साध्य लोक मंगल होता है। और चूंकि कविता अपने उत्स में नितांत वैयक्तिक और एकांतिक होते हुए भी जो चीज़ें ग्रहण करती है वो बाह्य संसार से ग्रहण करती है, इसलिए कविता लोक मंगल की दिशा में प्रस्थान बिंदु गढ़ती है। और अपने कविकर्म के दौरान मैं ऐसा मानता रहा हूँ कि ये जो लोक मंगल है ये एक तरह से हमें आत्म उत्थान की तरफ भी ले जाती है, क्योंकि जहाँ साम्य होगा, जहाँ सौंदर्य होगा, जहाँ संगति होगी, वहाँ हम लोक मंगल से हृदय की मुक्तावस्था की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। हमारे समय के एक बहुत मशहूर कवि मुक्तिबोध कविता को एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। वह कहते हैं कविता एक सांस्कृतिक टिप्पणी है किसी कलाकार की, किसी कवि की, किसी कहानीकार की, अपने समय के बरक्स की गई एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया। वैसे मुक्तिबोध साहित्य की एक डायरी में ये कहते हैं
कि कविता एक खोज है, एक पुनर्खोज जिसे हम कह सकते हैं, एक जीवन में से नए जीवन की दृष्टि देखना, एक जीवन में से बिखरे हुए जीवन सत्यों को खोज करके हम कविता में बीनते हैं और एक नई अंतर्दृष्टि का विकास करते हैं। इस नई अंतर्दृष्टि को मुक्तिबोध नई खोज के रूप में रेखांकित करते हैं। मित्रों, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में प्रेमचंद ने यह कहा था कि साहित्य जीवन की आलोचना है, लिटरेचर इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और ये जो आलोचना है, ये निश्चित रूप से हम जिसे मुक्तिबोध की भाषा में एक खोज कहते हैं, वो खोज हम इसको कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो काव्य विमर्श हुआ है, चाहे वो हमारे देश में हुआ हो या पाश्चात्य जगत में हुआ हो, सभी की एक दृष्टि निकल कर आती है कि कविता संसार के विनाश के विरुद्ध रचनात्मक कर्म है और एकमात्र बचाव है। संसार में जब भी प्रलय आएगा, सब कुछ तिरोहित हो जाएगा, लेकिन शब्द बचेगा, हमारी बिखरी हुई कविताएं, हमारा सृजन बचेगा। वैसे भी वैज्ञानिक कहते हैं कि शब्द तो ब्रह्मांड में रहते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी टेक्निक से पुनः सुना जा सकता है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से, चाहे वो कविता हो, कला हो, विज्ञान हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो, कहीं न कहीं किसी बिंदु पर मिलते हैं। अमरीकी कवि समीक्षक केनेस रेक्सराथ का ये कहना था कि संसार के विनाश के विरुद्ध रचनात्मक कर्म ही एकमात्र बचाव है। और मैं समझता हूँ कि जो दूसरा प्रश्न था कि कविता क्यों की जाती है, उसका बहुत अच्छा जवाब केनेस रेक्सराथ देते हैं कि जो संसार में विनाश या विध्वंस जो हमें नज़र आता है, उसके विरुद्ध यदि कोई बचाव है, कोई प्रतिरोध है, तो वह कविता है। क्योंकि कविता प्रतिरोध रचती है, जो रचनात्मक दायित्व कविता का है, उसमें प्रतिरोध रचना, परिवर्तन की दिशा में एक दिशाबोध देना, यह भी कविता का कार्य है। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि कुछ संवाद या कविता पर थोड़ी बातचीत के बाद मैं अपने काव्य पाठ की तरफ लौटूं। मित्रों, मेरा पहला कविता संग्रह 2007 में है यहाँ भी जल शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, और दूसरा संग्रह लिखना की जैसे आग शीर्षक से 2013 में साया हुआ। ये दोनों संग्रह बोधि प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित किए, और तीसरा संग्रह अभी अग्निपाखी शीर्षक से तैयार हो रहा है, वो निश्चित लॉकडाउन के बाद में पाठकों के हाथों में आएगा। और चौथा और पांचवा संग्रह भी कमोबेश तैयार है, लेकिन पहले तीसरा संग्रह अग्निपाखी शीर्षक से पाठकों के हाथ में शीघ्र ही होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मित्रों, समय मेरे पास में अभी है तो मैं एक कविता अपने पहले संग्रह से पढ़ता हूँ, एक कविता दूसरे संग्रह से, और फिर कुछ कविताएं अग्निपाखी संग्रह से और कुछ अभी जो लॉकडाउन में मैंने लिखी है उन कविताओं से मैं लेता हूँ। तो समय की जो मर्यादा है उसके अंतर्गत रहते हुए जितना मैं अधिक से अधिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँगा वो मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। मित्रों, पहली कविता है पहले संग्रह से, बैसाख में गिर रही बारिश। मित्रों, मैं बीकानेर से आता हूँ और यह जनपद बीकानेर जोधपुर रेगिस्तान का हिस्सा है। थार का महान रेगिस्तान हमारी थाती है, तो थार में वैसे भी अकाल एक स्थायी समस्या के रूप में रहता आया है। तो बैसाख में गिरती हुई बारिश को कवि किस दृष्टि से लेता है, मैं आपके सामने ये कविता प्रस्तुत करता हूँ। बैसाख में गिर रही बारिश इस कविता का शीर्षक है। बैसाख में गिर रही बारिश, खेत खलिहान निपट खाली पड़े उदास, अकाल का है साया गहरा, मिट्टी तोड़कर आ रही बुझी हुई औरतें। बैसाख में गिर रही बारिश, खेत खलिहान निपट खाली पड़े सपाट, अकाल का है साया गहरा, मिट्टी तोड़कर आ रही बुझी हुई औरतें। प्रिय, मैं तुम्हें सतरंगी इंद्रधनुष देता हूँ, प्रिय मैं तुम्हें सतरंगी इंद्रधनुष देता हूँ। अच्छे मौसम में याद आते प्रणय प्रसंग, मिट्टी की गंध भीनी भीनी तैरती नथुनों में, मैं तुम्हें वह गंध भी सौंपता हूँ। प्रिय, बादली तैरती दूधिया रुई सी,
खेत में मायूस किसान द्रवित नयनों से अपलक ताकता धूप छांव। कुंवारी है ये थार की धरती, लौटा नहीं है इसका सुहाग। कुंवारी है ये थार की धरती, लौटा नहीं है इसका सुहाग। प्रिय कितनी मनोरम धरती, कितने अच्छे लोग, पर हाय क्रूर नियति। बैसाख में भीगते फोक केर खेजड़ी, जंगल में सुदूर भीगती नील गाय। बैसाख में भीगते फोक केर खेजड़ी, जंगल में सुदूर भीगती नील गाय। सब तरफ भीग कर भी अंदर से सूखा है ये थार। बुजुर्ग कहा करते बैसाखी बारिश सब कुछ लील जाती। बैसाख में गिरती झिरमिर बारिश, धरती कांपती थरथराती। सुदूर टीबे पर बच्चे बनाते रेत के घरौंदे। तीतर बटोर की टोह में घूमता बहेलिया, दबे स्वर में गाता मोर। पकते बाजरे की गंध में कमल पंखुड़ियों से खिलती याद। चूल्हे से फूटती जिंदगी की लय, मैं तुम्हें देता हूँ प्रिय, मैं तुम्हें देता हूँ। मित्रों, एक कविता अपने दूसरे संग्रह से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, और उसके बाद मैं कुछ कविताएं आपको मेरे जो तीसरा संग्रह है उसमें से आपको सुनाऊंगा। मित्रों, कविता की रचना प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कविता परिमार्जित करती है मुझे पहले, और मेरा ऐसा मानना है कि पहले कवि को वह परिमार्जित करती है, संस्कारित करती है, उसके बाद में वह लोक या समाज को भी उसी तरह से अपनी आगोश में लेती है जिस तरह से वो पहले पहल कवि का संस्कार करती है। मित्रों, एक कविता इस दूसरे संग्रह से, स्थानापन्न जैसा कुछ नहीं। इस समय स्थानापन्नता का जमाना है, सब्स्टिट्यूशन का जमाना, हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है। लेकिन इस कविता में मैंने ये देखने का प्रयास किया है कि स्थानापन्न जैसा कुछ नहीं, कविता का शीर्षक है। मैं प्रारंभ करता हूँ। स्थानापन्न जैसा कुछ नहीं होता असल में, स्थानापन्न जैसा कुछ नहीं होता असल में। प्रेम का कोई स्थानापन्न नहीं, एक प्रेम नहीं भर सकता दूसरे प्रेम की जगह। एक क्षण की गाथाएं पिरोई नहीं जा सकती किसी दूसरे क्षण में। स्थानापन्न जैसा कुछ नहीं होता असल में, प्रेम का कोई स्थानापन्न नहीं, एक प्रेम नहीं भर सकता दूसरे प्रेम की जगह। एक क्षण की गाथाएं नहीं पिरोई जा सकती किसी दूसरे क्षण में। किरण में वही प्रकाश नहीं चमकता हर बार जो हर रोज सुबह के फूलों पर दमकता है। किरण में वही प्रकाश नहीं चमकता हर बार जो हर रोज सुबह के फूलों पर दमकता है। शिशिर में वही बर्फ नहीं गिरती हर बार जो हसीन वादियों को ढक लेती है। शिशिर में वही बर्फ नहीं गिरती हर बार जो हसीन वादियों को ढक लेती है। हर बारिश में गिरती अनाम जलराशियों के गर्भ से उद्भूत नई नवेली बूंदें। पतझड़ में वही पत्ते नहीं झरते जो दफ्न है पुरातन स्मृतियों में। पतझड़ में वही पत्ते नहीं झरते जो दफ्न है पुरातन स्मृतियों में। लहर का संगीत हर पल अद्वितीय लयबद्ध और ताजगी से भरपूर है। लहर का संगीत हर पल अद्वितीय लयबद्ध और ताजगी से सराबोर है। अंकुर से पहले भी जारी रहती बीज की अदृश्य यात्रा, उद्गम से पूर्व भी होता कोई आदि बिंदु। अंकुर से पहले भी जारी रहती बीज की अदृश्य यात्रा, उद्गम से पूर्व भी होता कोई आदि बिंदु। शुरुआत महज यह नहीं कि जो नम सुबह हरियल पत्ती की गोद से यकायक तुषार कण का ढुलकना। शुरुआत महज ये नहीं कि जो नम सुबह हरियल पत्ती की गोद से अचानक तुषार कण का ढुलकना। होने न होने के व्यूह से परे तत्वतः विद्यमान रहता प्रेम अनाम रंगहीन। होने न होने के व्यूह से परे तत्वतः विद्यमान रहता प्रेम अनाम रंगहीन। तमाम व्याख्याओं या कि आरोपण से अचूता दिगंबर। देह के पक्ष में देह का सांकेतिक अनुमोदन भर नहीं होता प्रेम।
देह के पक्ष में देह का सांकेतिक अनुमोदन भर नहीं होता प्रेम, प्रेम व्याप जाता तमाम प्रारब्धों भवितव्यताओं के अदृश्य गोपनीय संसार में, प्रेम व्याप जाता तमाम प्रारब्धों भवितव्यताओं के अदृश्य गोपनीय संसार में, उन्हें वरण करता वहाँ जहाँ आत्मा के अंतहीन समझौते जन्म लेते हैं, उन्हें वरण करता वहाँ जहाँ आत्मा के अंतहीन समझौते जन्म लेते हैं। स्थानापन्न जैसा कुछ नहीं होता असल में, प्रेम का कोई स्थानापन्न नहीं, प्रेम का कोई स्थानापन्न नहीं। मित्रों, मैं अब कुछ कविताएं आपको सुनाता हूं, अभी जो संग्रह आने वाला है उसमें से एक छोटी कविता है, 3-4 पंक्तियों की समाप्त होती है। कविता का शीर्षक है अंतहीन। सिंहासन और ताज क्या उस समय बहुत निरीह दुर्बल सी, सिंहासन और ताज क्या उस समय बहुत निरीह दुर्बल और दयनीय सी संज्ञा पर रह जाएंगे, जब न बच रहेगा अंतिम मस्तक भी करने उन्हें धारण। सिंहासन और ताज क्या उस समय बहुत निरीह दुर्बल और दयनीय सी संज्ञा पर रह जाएंगे, जब न बच रहेगा अंतिम मस्तक भी करने उन्हें धारण, करने उन्हें धारण। मित्रों, एक कविता का शीर्षक है स्त्री की ही बदौलत। स्त्री एक पौधा असंख्य कामनाओं का, जिसे हर बार उखाड़ा गया बेरहमी से, झिझोड़ा गया जड़ों को, पर हर बार फूट आती जड़ें नरम ओ मुलायम, निकल आती होले से धरा का अंधेरा चीर कर हरितिमा। स्त्री एक पौधा असंख्य कामनाओं का, जिसे हर बार उखाड़ा गया बेरहमी से, झिझोड़ा गया जड़ों को, पर हर बार फूट आती नरम ओ मुलायम, निकल आती होले से धरा का अंधेरा चीर कर हरितिमा। ये थोड़ा हरापन बचा है इस पृथ्वी पर, ये थोड़ा हरापन बचा है इस पृथ्वी पर, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी आदमियत, थोड़ा सा जीवन, शायद उस स्त्री की ही बदौलत, शायद उस स्त्री की ही बदौलत। एक कविता मित्रों जो आने वाले संग्रह में शामिल है, कविता का शीर्षक है आषाढ़। जैसे कि इसका कोई उद्गम बिंदु नहीं, एक अंतहीन अनुक्रम है, गोया उत्तराधिकार में हासिल, हर बार रोपा है आषाढ़ सूखे खेत में। कविता माथुर जी हमें सिएटल वाशिंगटन से देख रही है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। घनश्याम नाथ जी कछावा हमें सुजानगढ़ से देख रहे हैं, मैं उनका आभार करता हूँ। सतपाल जी हमें देख रहे हैं, मैं उनका आभार करता हूँ। कविता है आषाढ़। जैसे कि उसका कोई उद्गम बिंदु नहीं, एक अंतहीन अनुक्रम है, गोया उत्तराधिकार में हासिल, हर बार रोपा है आषाढ़ सूखे खेत में। पहले पहल पितामह के अनगिन पिताओं ने, फिर पितामह, अब पिता और मेरे श्यामल हाथों ने, हर आषाढ़ रोपा है जैसे तैरते हरियल सपनों की जमी पर। हर आषाढ़ रोपा है तैरते हरियल सपनों की जमी पर, साफ सुथरे खेत दहकते उजले स्मृति चित्र हैं पुरखों के, साफ सुथरे खेत दहकते उजले स्मृति चित्र हैं पुरखों के, सुनहरी बालू के धोरे युगों से प्यासे, भूख से अकुलाती गाय की मानिंद रंभाते, सुनहरी बालू के धोरे युगों से प्यासे, भूख से अकुलाती गाय की मानिंद रंभाते, अपलक ताकते सूने नयन, अपलक ताकते सूने नयन, सुदूर नीला आकाश जहां तेर रहे आषाढ़ के दो चार तटस्थ से बादल, जहां तेर रहे आषाढ़ के दो चार तटस्थ से बादल। कंचन पिंचा सेठिया जी सेलम तमिलनाडु से हमसे जुड़ी हैं, उनका आभार। एक कविता मित्रों आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मृत्यु पर भारतीय कवियों ने बहुत लिखा है और उसका एक संचयन भी निकला था पहले, बहुत पहले, मेरी एक कविता भी उस संचयन में शामिल की गई थी। भारतीय कवियों का जो मृत्यु विषयक संचयन है उसमें वो कविता आई थी। कविता का शीर्षक है घर आ भी जाए।
गर आ भी जाए मृत्यु कदापि न आए कोहराम की तरह, सहसा वो आए लोरी की तरह, आए जैसे आता है सावन के बाद भादों, बसंत के बाद पतझड़, आए जैसे आती है दिन के बाद रात, सुबह के बाद आती है शाम। गर आ भी जाए मृत्यु कदापि न आए कोहराम की तरह, सहसा वो आए लोरी की तरह, आए जैसे आता है सावन के बाद भादों, बसंत के बाद पतझड़, आए जैसे आती है दिन के बाद रात, सुबह के बाद आती है शाम। बहुत धीमे होले से एक पदचाप की तरह लयबद्ध बढ़ता आए मृत्यु रथ, बहुत धीमे होले से एक पदचाप की तरह लयबद्ध बढ़ता आए मृत्यु रथ, अपवाद की तरह नहीं वो आए रक्त में अपरंपार प्रवाह की तरह, दाल में नमक की तरह घुली हुई वो आए, दाल में नमक की तरह घुली हुई वो आए, तोपों की गगनभेदी सलामी से अछूती, तोपों की गगनभेदी सलामी से अछूती, अखबारों की सुर्खियों से बेहद बची हुई वो आए ए घटना की तरह, स्मृति पटल से ओझल, शोक सभाओं से नदारद, विलाप रहित सोले आने खरी, ओज में दमकती वो आए उत्सव की तरह। जैसे आता है दिशाओं से एक खामोश संवाद, और बह जाता गोया काल की अंतहीन नदी में, न हतप्रभ करती अपनी आमद से, आए उन्मुक्त झोंके की तरह यकायक, भला क्यों न आए मृत्यु, भला क्यों न आए मृत्यु। बारिश और तूफान भरी एक उदास रात्रि में, जैसे कि बदलती है घोंसला चिड़ियाएं, बारिश और तूफान भरी एक उदास रात्रि में, जैसे कि बदलती है घोंसला चिड़ियाएं, इस डाल से उस डाल, इस प्रांतर से उस प्रांतर, बस कुछ कुछ आ जाए इसी तरह मृत्यु, इस डाल से उस डाल, इस प्रांतर से उस प्रांतर, बस कुछ कुछ आए इसी तरह मृत्यु, बस कुछ कुछ आ जाए इसी तरह मृत्यु। हितेश व्यास जी पूना से हमारे से जुड़े हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, हमारे वरिष्ठ कवि हैं। मित्रों, एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, इसका शीर्षक है बचाना। सब कुछ बचाया जा रहा, जल जंगल और जमीन, ताजा हवा, आने वाले कल के लिए दाय में एक साफ सुथरी धरती, किसी अदेखे डर के खिलाफ बचाया जा रहा लड़ाई का हुनर। सब कुछ बचाया जा रहा, जल जंगल और जमीन, ताजा हवा, आने वाले कल के लिए दाय में एक साफ सुथरी धरती, किसी अदेखे डर के खिलाफ बचाया जा रहा लड़ाई का हुनर। बचाया जा रहा अन्न अकाल के लिए एक कार्य योजना, बचाई जा रही आकस्मिक आपदा से निपटने कुछ सपने, बचाए जा रहे आनन फानन ही सही संभावित भूखे लोगों के लिए, कुछ सपने बचाए जा रहे आनन फानन ही सही संभावित भूखे लोगों के लिए। हर तरफ अंतहीन दौड़ है बचाने की, या फिर इस आपाधापी में किस कदर खुद बचे रह पाने की बेचैनी। चीजों और चीखों से ठसाठस भरी इस दुनिया में, चीजों और चीखों से ठसाठस भरी इस दुनिया में, चाहता हूँ बस बचा रहे थोड़ा सा प्रेम, चाहता हूँ बस बचा रहे थोड़ा सा प्रेम विकट समय के लिए, बचा रहे थोड़ा सा प्रेम विकट समय के लिए। हितेश जी कह रहे हैं कि कविता की भूमिका में तीनों संकलनों की कविताएं अच्छी लगी, बहुत बहुत आभार आपका हितेश जी। एक छोटी सी कविता है प्रयोजन, इसका शीर्षक है प्रयोजन। हमें सत्यनारायण जी प्रारंभ से ही देख रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। कविता का शीर्षक है प्रयोजन। अनवरत लिखता रहूंगा कोई कविता, अनवरत लिखता रहूंगा कोई कविता, क्योंकि देखना चाहता हूँ लुप्त होने, क्योंकि देखना चाहता हूँ लुप्त होते ओ काल तुम्हारे चेहरे की झुर्रियाँ। अनवरत लिखता रहूँगा कोई कविता, क्योंकि देखना चाहता हूँ लुप्त होते ओ काल तुम्हारे चेहरे की सनातन झुर्रियाँ, तुम्हारे चेहरे की सनातन झुर्रियाँ। अगली कविता है कैसी वो दुनिया। अपने पानी और पेड़ों से सुदूर,
अपने लोगों और प्रेम से बहिष्कृत, कहाँ अपनी चिड़ियाएँ, कहाँ अपनी सुबह, बिना ताल तलैया पोखर और पगडंडियों के, अपने धान और सब्जियों की महक से महरूम, अपने घाटों और पणिहारिणों से कहीं अलग, कैसी होगी वो दुनिया, कैसा वो भूगोल, कैसी होगी हकीकत से अलहदा एक दुनिया गोल सी, सपनों की कूची से खींच कर कुछ लकीरें जो सरहद की जगह काबिज हो गई, उसके भीतर कहाँ झांकता होगा मेरा जनपद, मेरा गांव, मेरा खेत, मेरा रक्त, मेरा जनपद, मेरा गांव और मेरा खेत, मेरा रक्त। मित्रों, एक कविता मैं प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष। इसका शीर्षक है पुनरपि पुनरपि। ये जिस तरह से जीवन को हम देखते हैं कि जिजीविषा कभी खत्म नहीं होती, कितना ही विनाश हो जाए, कितना संकट आ जाए, लेकिन एक हरी पत्ती में भी जीने की ललक रहती है और वहीं से सृष्टि की कहानी प्रारंभ होती है। मित्रों, ये कविता मैंने कुछ रिदमिक लयात्मक तरीके से लिखी है, वैसी कविताएं मैं कम लिखता हूँ, आप देखें इस कविता को। कविता का शीर्षक है पुनरपि पुनरपि। सुनो सुनो मेरे भाई, मैंने देखी काले मेघों में रजत रेख। सुनो सुनो मेरे भाई, मैंने देखी काले मेघों में रजत रेख। मैंने देखी झिरमिर बूंदों में जीवन की द्वितियां अनेक। जब खेतों की मेड़ों पर देखा नपको झुकते। सुनो सुनो मेरे भाई, मैंने देखी काले मेघों में रजत रेख। आहा, मैंने देखी झिरमिर बूंदों में जीवन की द्वितियां अनेक। जब खेतों की मेड़ों पर देखा नपको झुकते। देखा मैंने चिर जिजीविषा को होते जनमन से एक मेघ। मैंने देखी इन राहों के नीचे विलीन श्वासों की अनगिन गाथाएं। कलकल करती श्रम श्वेत कणों की अंतः सलिलाएं। मैंने देखी दृढ़ मायावी उत्तुंग शिखर को सोनित की लहरें छूती। मैंने देखी फिर वैभव की हर दंत कथा में बुझी हुई जन की दीप्ति। मैंने देखी सागर तट पर बिखरी बिखरी शंख सीपियां। देखी मैंने छवियां अनगढ़ पत्थर की छाती पर अंकित अस्फुट सी कोई प्रेम लिपि। देखी मैंने छवियां अनगढ़ पत्थर की छाती पर अंकित अस्फुट सी कोई प्रेम लिपि। जब भी देखा खोल हृदय का द्वार अपरंपार। मैंने निहार उत्सुक अबोध ओ निर्निमेश। क्षण भर देखा दूर क्षितिज के आर पार। सकल प्रेम में होते शामिल इस जगती को। क्षण भर देखा दूर क्षितिज के आर पार। सकल प्रेम में होते शामिल इस जगती को। पुनरपि पुनरपि। एक धड़कन को मनोयोग से महामिलन के उत्सव को रस्ते देखा। इस जगती को पुनरपि पुनरपि। एक धड़कन को मनोयोग से महामिलन के उत्सव को रस्ते देखा। सुनो सुनो मेरे भाई, मैंने देखी काले मेघों में रजत रेख। मैंने देखी काले मेघों में रजत रेख। मित्रों, अभी कुछ समय है, कुछ कविताएं मैं कविता का शीर्षक है कविता की किसी पंक्ति में। एस भाग्यम शर्मा जी हमसे जुड़ी हैं जयपुर से, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सत्यनारायण जी कह रहे हैं अच्छी कविताएं, ये बहुत अच्छी बड़ी टिप्पणी है, सत्यनारायण जी ऐसा कह रहे हैं। कविता की किसी पंक्ति में इसका शीर्षक है। नहीं पाया जाऊंगा जीवन के किन्हीं जगमगाते उत्सवों की चौंधियाती रोशनी में। नहीं पाया जाऊंगा जीवन के किन्हीं जगमगाते उत्सवों की चौंधियाती रोशनी में। मैं रहूंगा जंगल के मौन में घुला हुआ आदमकद त्रासदी सा। अगर रहूंगा तो अदृश्य पदचिन्हों की लिपि में गुमशुदा तहरीर सा। अगर रहूंगा तो अदृश्य पदचिन्हों की लिपि में गुमशुदा तहरीर सा। खेत खलिहानों की एक विलुप्त भाषा में। खेत खलिहानों की एक विलुप्त भाषा में हवा के संग संग अस्फुट बसता रहूंगा। पेट की भूख के संगीत में उस सरगम की तरह बसता रहूंगा खामोश। पड़ा रहूंगा गर्द में ढंका टूटा टूटा बिखरा बिखरा गोया अगीत की तरह ए निबद्ध। महज आकस्मिक ही रहूंगा अस्तित्व के जनपद में।
महज आकस्मिक ही रहूंगा अस्तित्व के जनपद में अस्थिर प्रवासी की तरह। एक जीवंत किंवदंती में प्रश्नाकुल सा, गर कहीं रहूंगा सरतिया साबूत कुछ बचा खुचा सा, गर कहीं रहूंगा शर्तिया साबूत कुछ बचा खुचा सा, किसी ठोर धरती के किसी आंचल में नागरिकता का अनुज्ञा पत्र धारे तो यहीं कहीं रहूंगा कविता की किसी जर्जर पंक्ति में, तो यहीं कहीं रहूंगा कविता की किसी जर्जर पंक्ति में। अभ्युदय की तरह क्षितिज की ओर उठता हुआ, अभ्युदय की तरह क्षितिज की ओर उठता हुआ, और उठाए रहूंगा समूची पृथ्वी का भार, और उठाए रहूंगा समूची पृथ्वी का भार। एक छोटी सी कविता है मित्रों, शीर्षक है रोजमर्रा। मुझे नहीं जगाते सौ सौ सूर्योदय, मुझे नहीं जगाते सौ सौ सूर्योदय, चिर नींद से जगाती है मुझे भीतर खत बदाती आग। मुझे नहीं जगाते सौ सौ सूर्योदय, चिर नींद से जगाती है मुझे भीतर खत बदाती आग। रोज एक सपना देखते रहना ही, रोज एक सपना देखते रहना ही है मुझे प्रासंगिक। हर दिन एक औजार की तरह, हर दिन एक औजार की तरह है जिससे करता रहता हूँ इस टूटी फूटी दुनिया की मरम्मत। मुझे नहीं जगाते सो सो सूर्योदय, चिर नींद से जगाती है मुझे भीतर खत बदाती आग। रोज एक सपना देखते रहना ही है मुझे प्रासंगिक। हर दिन एक औजार की तरह है जिससे करता रहता हूँ इस टूटी फूटी दुनिया की मरम्मत। चाहता हूँ यह हो साफ सुथरी और सलबटों से रहित, चाहता हूँ यह हो साफ सुथरी और सलबटों से रहित, सलबटों से रहित। मित्रों, एक कविता सुनाता हूँ मैं आपको। मुक्तिबोध को मैंने बहुत पढ़ा है और मुक्तिबोध का स्वाध्याय भी मैंने किया है, लेकिन मुक्तिबोध की कविताओं का जो जटिल भावबोध है वो निश्चित रूप से मेरे मन में हमेशा से ही कुतूहल का विषय रहा है। एक कविता कहीं बबूल को लेके मुक्तिबोध ने लिखी थी, फिर मैंने मुक्तिबोध को पढ़ते हुए वह कविता लिखी। इसका शीर्षक भी बबूल है। किस तरह से बबूल हमारे हम देखते हैं कि हमारे शहरों में या गांवों के किनारे बबूल के पेड़ होते हैं, और वहाँ यदि पास में कोई चूना भट्टी होती है तो चूने से जो गर्द आती है उसकी सफ़ेदी उस बबूल पे छाई रहती है। तो बबूल यहाँ पे एक सर्वहारा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। इस कविता का शीर्षक है बबूल, और इसके नीचे मैंने लिख दिया है मुक्तिबोध को पढ़ते हुए। सड़क किनारे का बबूल का पेड़ लदा फूलों पत्तों से, सड़क किनारे का बबूल का पेड़ लदा फूलों पत्तों से, और ये सुस्थिर धोरे पीले पीले गोरे गोरे, काल इन्हीं रेतीली कणियों में जो बिखरा गुथा गुथा सा, काल इन्हीं रेतीली कणियों में बिखरा जो गुथा गुथा सा, ओ ऋतु की नई नवेली पहली बारिश, ओ ऋतु की नई नवेली पहली बारिश, तुम झरझर झरझर झरो बबूल के हर पत्ते पर, ओ ऋतु की नई नवेली पहली बारिश, तुम झरझर झरझर झरो बबूल की हर पत्ती पर, जो कुमला या भूरा सफ़ेद चूना मिट्टी से सना नहाया, जो कुमला या भूरा सफ़ेद चूना मिट्टी से सना नहाया, गहन उदासी में डूबा निरुपाय, गहन उदासी में डूबा निरुपाय, और आक्रोश सना सा, और बहुत गहरे दर गहरे, और बहुत गहरे दर गहरे, उतरो तरु की आत्मा के महनीय लोक में, और बहुत गहरे दर गहरे, उतरो तरु की आत्मा के महनीय लोक में, और बहुत गहरे दर गहरे, उतरो तरु की आत्मा के महनीय लोक में, जहाँ कैद है आभा पूरे भूमंडल की, जहाँ कैद है आभा पूरे भूमंडल की। सड़क किनारे का बबूल का पेड़ लदा फूलों पत्तों से, और ये सुस्थिर धोरे पीले पीले गोरे गोरे, काल इन्हीं रेतीली कड़ियों में जो बिखरा गुथा गुथा सा, ओ ऋतु की नई नवेली पहली बारिश, तुम झरझर झरझर धरो बबूल की हर पत्ती पर, जो कुम्हला या भूरा सफ़ेद चूना मिट्टी से सना नहाया, गहन उदासी में डूबा निरुपाय, और आक्रोश सना सा, और बहुत गहरे दर गहरे, उतरो तरु की आत्मा के महनीय लोक में,
जहाँ कैद है आभा पूरे भूमंडल की, जहाँ कैद है आभा पूरे भूमंडल की। मित्रों, कुंवर नारायण को मैं पढ़ता रहा हूँ एक कविता, कुछ कुछ ऐसे इम्प्रेशंस जो कुंवर नारायण के यहाँ। कविता का शीर्षक है आत्मतोष। अपने आत्माभिमान का सौदा कर अर्जित की गई तथा कथित महानताओं से कहीं बेहतर स्थापित हूँ, कहीं बेहतर महफूज हूँ अपनी अमान्यताओं के लोक में। अपने आत्माभिमान का सौदा कर अर्जित की गई तथा कथित महानताओं से कहीं बेहतर स्थापित हूँ, कहीं बेहतर महफूज हूँ अपनी अमान्यताओं के लोक में। अनाम पथ पर अंकित यशस्वी पदचिन्हों को रौंद कर गाहे बगाहे हथिया लिए गए अवसरवादी आधिपत्य से कहीं अधिक स्वायत्त और कहीं अधिक सुरक्षित हूँ अपने अस्वीकार के बृहद जनपद में। तमाम फरेबी आदर्शों के माया जाल में गुथी ऊंचाइयों से जहाँ पहुँचकर मंजिल स्वयमेव एक घिनौना विनिमय है, मैं अपनी तथाकथित क्षुद्रताओं के कुटीर में कहीं अधिक जागृत, कहीं अधिक सारभूत और कहीं अधिक दैदीप्यमान हूँ। एक छोटी सी कविता है मित्रों, शेष न रहने के लिए, जो जन सरोकार मंच के पोस्टर पे भी जोशी जी ने जिसे साया किया था। शेष न रहने के लिए, शेष न रहने के लिए भाषा में बिखरना चाहता हूँ बीज की तरह। शेष न रहने के लिए भाषा में बिखरना चाहता हूँ बीज की तरह और चाहता हूँ कविता में खिलना शब्द की तरह, और चाहता हूँ कविता में खिलना शब्द की तरह। एक छोटी सी कविता, अभी कुछ समय है 5-7 मिनट का, मैं कुछ कविताओं पे केंद्रित करता हूँ। अगली कविता है भूख का पता। ये जो फसल लहलहा रही तैयार कटने को बेताब, ये जो फसल लहलहा रही तैयार कटने को बेताब, क्या उसे मालूम है हर आदमी के पेट का नाप जोक, क्या उसे मालूम है हर आदमी के पेट का नाप जोक और भूख का पता, क्या उसे मालूम है हर आदमी के पेट का नाप जोक और भूख का पता। मित्रों, काफ़ी कविताएं मैं लेके आया था, लेकिन जो कविताएं मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूंगा, एक कविता जो दूसरे संग्रह की कविता में से, कविताओं में से है, उस संग्रह पे डॉक्टर नामवर सिंह जी ने दिल्ली दूरदर्शन से समीक्षात्मक बातचीत की थी और डॉक्टर मदन कश्यप ने उस बात को कंडक्ट किया था। तो नामवर सिंह जी को वो एक छोटी कविता बहुत अच्छी लगी थी, वो मैं दूसरे संकलन में सी थी लेकिन उस समय नहीं पढ़ पाया था। अब पढ़ता हूँ, संग्रह की वो छोटी सी कविता है, 3-4 पंक्तियों की कविता है, समाप्त होती है। कविता इस तरह है, एक लपट भर ही जीवन हो, एक लपट भर ही जीवन हो उठे ऊर्ध्वतर, एक लपट भर ही जीवन हो उठे ऊर्ध्वतर, क्षण के इस आलोक परव पर युग मनवंतर नत हो, एक लपट भर ही जीवन हो उठे ऊर्ध्वतर, एक लपट भर ही जीवन हो। मित्रों, कुछ दिनों पहले नामवर सिंह जी का जन्मदिन भी था, एक कविता मैं आप के सामने प्रस्तुत करता हूँ, इसका शीर्षक है कोई उम्मीद अंतिम नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो समय मुझे दिया गया है उसकी मर्यादा को देखते हुए ये कविता इस समय में संपन्न हो सकेगी। कोई उम्मीद अंतिम नहीं, कोई उम्मीद अंतिम नहीं, चिड़िया की हर उड़ान है अंतहीन, हर दिन आकाश एक नवीन आमंत्रण। कोई उम्मीद अंतिम नहीं, चिड़िया की हर उड़ान है अंतहीन, हर दिन आकाश एक नवीन आमंत्रण। कोई कदम ताल अंतिम नहीं, कोई पदचाप समय के दृश्य पटल पर अंकित सभ्यता का अंतिम रेखा चित्र नहीं। कोई साहस नवीन नहीं, कोई आरोहण आखिरी नहीं, कोई साहस नवीन नहीं, कोई आरोहण आखिरी नहीं, हर क्षण लौट लौट आने का संकल्प गुथे हुए, हर क्षण लौट लौट आने का संकल्प गुथे हुए, हर मुहूर्त नवीन शुरुआत का सपना बुने हुए। कोई पराजय अंतिम समर्पण नहीं, कोई प्रयाण महज इतिश्री नहीं, कोई प्रयाण महज इतिश्री नहीं, कोई मृत्यु अंतिम उपस्थिति नहीं, न ही कोई जन्मोत्सव सर्वथा नवीन अवतरण।
सब यात्राओं के दरमियाँ भी फूटती है जीवन की कोमल किलकारियाँ, सब यात्राओं के दरमियाँ भी फूटती हैं जीवन की कोमल किलकारियाँ, अंतिम पटाक्षेप के बाद भी बच रहती उम्मीद किसी नवीन दृश्य के विमोचन की, अंतिम पटाक्षेप के बाद भी बच रहती उम्मीद किसी नवीन दृश्य के विमोचन की, कोई निर्माण आखिरी प्रत्याशा नहीं, सब कुछ तिरोहित होने के बाद भी अविचल रहता नन्हा अंकुर सृष्टि के हक में, अविचल रहता नन्हा अंकुर सृष्टि के हक में, और इस समय जब भूख मचल रही सिराओं में, और इस समय जब भूख मचल रही सिराओं में, जो उठ रहे दो हाथ, जो उठ रहे दो हाथ, सुलगाने अनादि का चूल्हा, सुलगाने अनादि का चूल्हा, कोई उम्मीद अंतिम नहीं, चिड़िया की हर उड़ान है अंधहीन, हर दिन आकाश एक नवीन आमंत्रण। मित्रों, मैं समझता हूँ कि काफ़ी कविताएँ प्रस्तुत की गई हैं, और जो समय मुझे दिया गया है वो समय में एक छोटी कविता के बाद में आज के इस काव्य पाठ को मैं विराम देता हूँ, और वैसी कविताएँ जो बिल्कुल रिदमिक होती है, मीट्रिक होती है, और इस तरह की एक कविता के पाठ के साथ मैं आज के काव्य संवाद और काव्य पाठ को विराम दूंगा। ये कविता है, किस तरह से हम जीवन की प्राथमिकताएं भूल गए हैं, और जो अप्राथमिकताएं होनी चाहिए वो हमारी प्राथमिकताएं बन गई है, और जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो हमारी अप्राथमिकताएं बन गई हैं। तो इसी तरह से ये कविता कुछ कहती है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है, राजपथ को छोड़ क्यों पगडंडियों पर सो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है। वह दीप जो जलता शिखर पर यह न मेरा है, वह दीप जो जलता शिखर पर यह न मेरा है, द्रव्य मेरा नहीं बाती भी नहीं, कब आलोक भी मुझको गवारा है। वह दीप जो जलता शिखर पर वह न मेरा है, द्रव्य मेरा नहीं बाती भी नहीं, कब आलोक भी मुझको गवारा है। यह जगत प्रतिबिंब गो मृगचाह आदिम हो गया है, और निज आलोक जाने युग युगों से खो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है, राजपथ को छोड़ क्यों पगडंडियों पर सो गया है। किस तरह से रेत में से सोना निकालने की अभिलाषा मनुष्य पाले हुए है, कुछ इस तरह से, रेत को ही छान कर नित स्वर्ण अभिलाषी बना हूँ, रेत को ही छान कर नित स्वर्ण अभिलाषी बना हूँ, हे को ही श्रेय कर मैं मानने पर ही ठना हूँ, हे को ही श्रेय कर मैं मानने पर ही ठना हूँ, और छोटी मंजिलों के जाल में बिंदता गया हूँ, और छोटी मंजिलों के जाल में बिंदता गया हूँ। यद्यपि जो आलोक आत्मा का स्वयं था, यद्यपि जो आलोक आत्मा का स्वयं था, कौन उसको धो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है, राजपथ को छोड़ क्यों पगडंडियों पर सो गया है। अब आगे तीसरा और अंतिम स्पर्श देखें, यह पंथ मेरा निष्कलुष कटुकंटकों से हीन है, यह पंथ मेरा निष्कलुष कटुकंटकों से हीन है, यह दीप्ति मेरी ही स्वयं पुरुषार्थ संयम लीन है, राख में जो ढांप कर अंगार कोई बो गया है, राख में जो ढांप कर अंगार कोई बो गया है, सुप्त था जो सूर्य चिर द्युतिमान कैसे हो गया है, सुप्त था जो सूर्य चिर द्युतिमान कैसे हो गया है, राख में जो ढांप कर अंगार कोई बो गया है, सुप्त था जो सूर्य चिर द्युतिमान कैसे हो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है, राजपथ को छोड़ क्यों पगडंडियों पर सो गया है। मित्रों, मैं समझता हूँ कि कविता से मोहब्बत करने वाले, कविता में गहरी प्रीति रखने वाले सभी मित्र जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े, मैं सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि कविता को समझने वाले लोग आज भी बहुत हैं, और लॉकडाउन के इस समय में भी किस तरह से एक रचनात्मक प्रकल्प जन सरोकार मंच ने चुना है, इसके लिए उनका हृदय की गहराइयों से साधुवाद किया जाना चाहिए। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ये जो लॉकडाउन है ये बहुत अच्छा लगा है, और कम से कम अपने भीतर झांकने की, अपनी आत्मा में झांकने की, और अपने परिवार के पास बैठकर के कुछ क्षण बिताने
का अवकाश तो हमें देता ही है। मित्रों, बहुत सारे मित्र इस पटल पर जुड़े और आज की इस काव्य पाठ में उपस्थित होकर के मेरा मान बढ़ाया। और कविता एक अंतहीन यात्रा है और जैसे जैसे हम कविता के भीतर प्रवेश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जन्म काफ़ी नहीं है। कितने ही जन्म हम ले लें, कविता की गवेषणा करते बीत जाएंगे, लेकिन हम कुछ मोती यदि वहाँ से निकाल सके और हमारे इस दृश्यमान दुनिया में जहाँ शून्य है वहाँ उस शून्य को हम थोड़े से अपनी कविता से, अपनी रचनात्मकता से भर सके, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वह बहुत ही सकारात्मक बात होगी। मित्रों, मैं अब आप सबसे विदा लेता हूँ और यह आशा करता हूँ कि जन सरोकार मंच के इस पटल पर पुनः कभी मुझे और आने का अवसर मिलेगा और आप सब मित्रों से संवाद करने का और आज जो कविताएं प्रस्तुत की हैं इसके इतर नई कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मैं पुनः आप सभी का, जन सरोकार मंच के सभी मित्रों का, साथियों का, देवेंद्र जोशी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस पटल पर मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ पर कविता के ऊपर एक कविता के विनम्र विद्यार्थी के हैसियत से मैं कविता पर कुछ अपनी बात करूं। मैं पुनः आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं, सभी मित्रों को नमस्कार। आप कोरोना काल में स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।